नमस्कार दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है वो ये है कि कैसे औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा के अपने आप को गद्दी पर बैठाया। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां ने ओवरऑल अपने बुढ़ापे के समय पे अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था किसको, दारा शिकोह को। क्लियर कट उसने अपने नॉबल्स को इंस्ट्रक्ट किया शाहजहां ने कि मेरे बाद गद्दी पर बैठेगा दारा शिकोह। लेकिन ओवरऑल जो बाकी दारा शिकोह के भाई थे, शाहजहां के बेटे थे, वो ऑब्वियस ही बात है इस बात को नहीं मानेंगे। गद्दी के लिए ना कोई बाप होता है, ना कोई भाई होता है, ना कोई बहन होती है, कोई कुछ नहीं होता। गद्दी गद्दी होती है और उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है, और वो भी मुगल बादशाह की गद्दी। आप पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरा आज की डेट का इंडिया, पाकिस्तान, कुछ हद तक अफगानिस्तान, इन सब पे जब राज करने की बात आती है तब भाई बहन रिश्ते कोई मैटर नहीं करते। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यही वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि दारा शिकोह के बीच में हुआ था, और ओवरऑल एक तरफ औरंगजेब था, और इस पर्टिकुलर इवेंट ने पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। यहाँ पे कुछ और बेटे भी थे जैसे मुराद था, किस तरीके से औरंगजेब ने अपने चालाक दिमाग से अपने आप को गद्दी पर बैठाया, इसको समझते हैं। अगर आप शाहजहां के आखिरी कुछ साल के राज की बात करो तो तगड़ा वॉर ऑफ सक्सेशन चला है इनके बेटों के बीच में। ऑब्वियस ही बात है, मुस्लिम्स जो भी सल्तनत थी, तिमुरिद तिमुर से निकले थे ये पूरी की पूरी क्लैम, समरकंद से आया था आपका बाबर, और कुछ हद तक इंडिया में जो हिंदू राजवाड़े थे, जो राजपूत रजवाड़े थे, मराठा रजवाड़े थे, यहाँ कोई प्रॉपर सक्सेशन का ट्रेडिशन नहीं था। बाप के मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इसकी कोई प्रॉपर सेट आप कह लो कि प्रक्रिया नहीं थी। और जब कोई सेट प्रक्रिया नहीं है, बाप बूढ़ा हो गया है, मरने वाला है, बेटे जवान है, उनके अंदर खून गर्म है, तो गर्म खून तो चाहेगा कि हम गद्दी पर बैठ जाएं, ठीक है। कुल मिला के बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स का ये बोलना था कि नेचुरली अगर राजा मर रहा है तो राजा जब मरेगा तो उसके पास अधिकार होगा कि वो डिसाइड करेगा उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि राजा बूढ़ा हो गया है, वो बता भी दे कि गद्दी पर ये बंदा बैठेगा तो भी बाकी बेटे ना माने तो तुम क्या कर लोगे, और नहीं मानते थे। तिमुरिद ट्रेडिशन में क्या था कि ओवरऑल जो पूरा अंपायर है वो बहुत सारे लोगों में बांट दो। तो अब मुगल अंपायर में शाहजहां के मान लो तीन बेटे, मेन तीन बेटे, और पूरे पूरे अंपायर को तीन अलग अलग भागों में बांट दो, तो क्या फिर मुगल अंपायर उतना स्ट्रांग रह जाएगा? वो तो तीन अलग अलग अंपायर में बन जाएगा। पता चला बाद में तीन अलग अलग अंपायर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अंपायर तो ताकतवर तब है जब वो बड़ा है, उसका एक शासक है और प्रॉपर कॉमन पॉलिसी से यहाँ पे राज हो रहा है। आप सोचिए, इंडिया पाकिस्तान आज अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग इतनी पावरफुल हैं, दोनों एक होती तो शायद यूएसए चाइना से ज्यादा ताकतवर होती। तो यही चीज होती है, एक बड़ा एम्पायर मेंटेन करना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है भाई। अब अगर बात की जाए तो अलग अलग लोगों की यहाँ पे अलग अलग राय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास ने क्या बोला था, तुलसीदास अकबर के समय पे एक्टिव था। तुलसीदास ने बोला कि एक हिंदू राजा ओवरऑल अपने जिस बेटे को भी तिलक लगाएगा, मतलब उसको गद्दी पर बैठाएगा, वही यहाँ पे राज करेगा। लेकिन राजपूत के अंदर भी कोई प्रॉपर नॉमिनेशन की प्रथा नहीं थी। मान लो किसी राजपूत राजा ने अपने बेटे को नॉमिनेट कर भी दिया रूलर, तो बाकी बेटे नहीं मानेंगे तो यहाँ पे लड़ाई होगी। और आप देखोगे कि ओवरऑल जो राणा सांगा थे, इन्हें भी अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी थी मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के लिए। अब 1657 के एंड में, 1657 के एंड में शाहजहां की हो गई तबीयत खराब। बूढ़ा था भाई, उस समय कोई ऐसी मेडिकल साइंस तो है नहीं कि प्रॉपर आपको स्ट्रेचर पे बैठा के आईसीयू में ऑपरेशन कर देंगे, उसमें कोई प्रॉपर मेडिकल साइंस तो थी नहीं। तो बुढ़ापे के समय पे आदमी बीमार है, अब उसका मरने का समय आ रहा है। जब उसके मरने का समय आ रहा है तो ओवरऑल जब उसको बेटों को पता लगेगा कि बाप मर रहा है, तो बेटों को लगेगा अब मुगल बादशाह की गद्दी पर कौन बैठेगा। अब शाहजहां के बेटे, एक तरफ दारा शिकोह है, एक तरफ सूजा है जो कि बंगाल का राजा है, एक तरफ मुराद है जो कि गुजरात का राजा है, एक तरफ औरंगजेब है जो कि डेक्कन में पोस्टेड है। अब इन सबके बाछे खिल गई, अब मैं गद्दी में बैठूंगा, अब यहाँ पे दारा शिकोह था बढ़िया आदमी। दारा शिकोह ने अपने बाप का बहुत ध्यान रखा और ओवरऑल उसके केयर की वजह से शाहजहां यहाँ पे जिंदा रह गए। ओवरऑल जब शाहजहां का इलाज चल रहा था, दारा शिकोह उसका ध्यान रख रहा था, तो बाहर बहुत सी अफवाहें उड़ने लगी। अफवाह क्या उड़ने लगी कि दारा शिकोह ने अंदर ही शाहजहां को मार दिया है और खुद को अपने आप को गद्दी पर बैठाना चाहता है, जबकि दारा शिकोह शाहजहां का ध्यान रख रहा था, उसकी सेवा कर रहा था, इलाज कर रहा था। अब इस प्रकार की बहुत सी अफवाहें उड़ रही थी और इन अफवाहों पे दारा शिकोह के भाई औरंगजेब, मुराद और शुजा भरोसा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका कोई और ऑब्जेक्टिव है, उनको अब गद्दी नजर आ रही है, उनका बाप मर रहा है ये उनको नजर नहीं आ रहा है, उनको गद्दी नजर आ रही है, गद्दी पर बैठना है। और गद्दी पर बैठना है
और दारा शिको वहां है तो दारा शिको एक बड़ा प्रॉब्लम है। दारा शिको हमेशा से ही शाहजहां का फेवरेट था, तो अब अभी शाहजहां जिंदा है, शाहजहां को यह पता चल गया है कि इसके बेटे आपस में वॉर ऑफ सक्सेशन करेंगे। शाहजहां ने खुद जहांगीर के अगेंस्ट बवाल किया था, शाहजहां को अपनी जवानी तो याद ही होगी ना, वो खुद अब लड़ गया था अपने बाप से, तो शाहजहां को पता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरे बेटे भी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे ना। तो ओवरऑल शाहजहां चाहता नहीं था कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो, इसलिए शाहजहां ने क्लियरली बोला कि उसके मरने के बाद जो उसका बड़ा बेटा है दारा शिको, वो बनेगा सक्सेसर, वो बनेगा वलीहाद। समझ गए भाई? तो यहां पे क्लियर कट ओवरऑल बोल दिया कि हु विल बी द वलीहाद, हु विल बी द सक्सेसर ऑफ शाहजहां, दारा शिको। ये किसने बोला? शाहजहां ने बोला। तो कुल मिला के यहां पे मान लेना चाहिए था सबको। इनफैक्ट दारा की जो मनसब था उसको 40,000 जाट से बढ़ा के 60,000 जाट कर दिया शाहजहां ने, सबसे बड़ा। और ओवरऑल शाहजहां के कोर्ट में जहां शाहजहां मुगल एम्परर का तख्त था, उसके बगल में दारा शिको का तख्त लगवा दिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे शाहजहां ने दारा शिको को नॉमिनेट कर दिया, तो चुपचाप से आपको मान लेना चाहिए। अब नॉबल से एक बार को मान लें, लेकिन जो शाहजहां के दूसरे बेटे हैं वो नहीं मानेंगे, ना मुराद मानेगा, ना औरंगजेब मानेगा और ना ही शुजा मानेगा। और ओवरऑल वो बोलेंगे कि मेरा बाप तो पार्शियलिटी कर रहा है मेरे भाई की तरफ, मैं तो इस सक्सेशन को नहीं मान रहा, मैं यहाँ पे लड़ाई करूंगा। तीनों अपने अपने तरीके से लड़ाई करने लगे। शुजा ने अलग बगावत कर दी बंगाल में, मुराद ने अलग बगावत कर दी गुजरात ने, औरंगजेब ने अलग बगावत कर दी। और ये बगावत तो शाहजहां में होनी ही थी, शाहजहां ने खुद बगावत की थी जहांगीर के अगेंस्ट। जहांगीर को तो परेशान कर दिया था शाहजहां ने, और अब यहाँ पे शाहजहां भी परेशान होने वाले थे। और शाहजहां तो खैर अपने आखिरी स्टेज पे थे, शाहजहां से ज्यादा दारा शिको परेशान होने वाले थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला। ओवरऑल आप देखोगे तो कुल मिला के ये बैटल स्पेसिफिकली था दारा शिको के बीच में और औरंगजेब के बीच में। बाकी दो लोग भी थे यहाँ पे, शुजा भी था और मुराद भी था, बट इनको कैसे हैंडल किया गया इसको देखेंगे। सबसे पहले तो शाहजहां और दारा शिको ने मिलकर सुलेमान शिकोह को, अब ये सुलेमान शिकोह कौन है, यहां देखिए, सुलेमान शिकोह दारा शिको का बेटा है। तो सुलेमान शिकोह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम ईस्ट में कूच करो, ईस्ट में कूच करो मतलब बंगाल की तरफ जाओ, और बंगाल में जाके जो शुजा नाम का राजा है जो कि ओवरऑल शाहजहां का बेटा है, इसको कंट्रोल में लेके आओ। और सुलेमान शिकोह की मदद के लिए हैंडल किया गया किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। तो मिर्जा राजा जयसिंह की मदद से सुलेमान शिकोह का काम यह है कि जो ईस्टर्न मुगल डोमेन थी बंगाल में, जहां पे शुजा ने बगावत कर दी थी, उस शुजा को जाके कंट्रोल करो, ठीक है। फिर भाई मालवा भेजा गया किसको? मालवा भेजा गया आपका जसवंत को, ठीक है ना। अब मालवा गुजरात के आसपास के इलाके में राज किसका है? मुराद का। और थोड़ा और साउथ में डेक्कन की तरफ चले जाओ तो राज किसका है? औरंगजेब का। तो भाई ये जो मुराद है इसको कंट्रोल करने के लिए मालवा के आसपास के इलाके में जसवंत को भेजा किसने? शाहजहां ने। जसवंत भैया अपनी फोर्स लेके पहुंचे। जब ये मालवा पहुंचे तब जसवंत को पता चला कि सामने जो फोर्सेस खड़ी हैं वो तो औरंगजेब और मुराद की हैं। मतलब औरंगजेब ने यहाँ पे जबरदस्त दिमाग लगाया। औरंगजेब ने मुराद को बोला कि भाई हम मिल जाते हैं और हम मिल के ओवरऑल इस दारा शिकोह को हराते हैं, शुजा को हराते हैं, शाहजहां को साइड करते हैं और पूरा ये जो अंपायर है ये हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ये औरंगजेब ने मुराद को बोला। मुराद को लगा क्या बुराई है, मिल जाते हैं। मुराद को ये पता नहीं था कि औरंगजेब कभी भी अंपायर बांटने वाला नहीं था। देखिए जिसको गद्दी की चाह है वो जमीन का एक टुकड़ा नहीं देखा किसी और को, समझ गए। तो औरंगजेब ने चाल चली थी, मुराद भाई यहाँ पे इस चाल में फंस गए, ठीक है। अब ओवरऑल यहाँ पे अभी के लिए औरंगजेब और मुराद एक हो गए। सामने से जसवंत लड़ने आ रहा है और जसवंत किसकी तरफ से लड़ने आ रहा है? शाहजहां की तरफ से लड़ने। तो एक तरफ जसवंत है, दूसरी तरफ आपके औरंगजेब और मुराद की कंबाइंड आर्मी है। अब औरंगजेब और मुराद की कंबाइंड आर्मी बहुत स्ट्रांग है, जसवंत जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जसवंत ने यहाँ पे लड़ाई की। राजपूत था, हार के भागने वालों में से नहीं था, और इस धर्मठ की लड़ाई में औरंगजेब जीत गया 15 अप्रैल 1658 को। अब जैसे ही 15 अप्रैल 1658 की लड़ाई में जसवंत हारा और औरंगजेब और मुराद की कंबाइंड आर्मी जीत गई, वैसे ही दारा शिको की हालत खराब। दारा शिको एक अच्छा इंसान था बट वो उतना बैटल हार्डन नहीं था जितना औरंगजेब था। औरंगजेब में डेक्कन में मिलिट्री एक्सपेडिशन लीड किया था,
काबुल के इलाके में मिलिट्री एक्सपेडिशन लीड किए थे। औरंगजेब को बहुत तगड़ा मिलिट्री एक्सपीरियंस था, उतना दारा शिको को नहीं था। दारा शिको को था बट उतना नहीं था। ओवरऑल औरंगजेब जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शायद नहीं थी दारा शिको के पास। हाँ, इंसान दारा शिको औरंगजेब से अच्छा था बट उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हो उस कंडीशन में सर्वाइव करने की स्किल है कि नहीं है, ये मैटर करती है। तो कुल मिला के धर्मठ की राय में जब जसवंत हारा तब दारा शिको का दिमाग खराब, कहते यार ये क्या गड़बड़ हो गई। तब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो चुकी थी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि सुलेमान शिकोह को राजा जयसिंह के साथ ईस्ट में भेजा था, ठीक है ना। अब आगरा में बैठा था शाहजहां और दारा शिको, ठीक है। आगरा में बैठ के शाहजहां और दारा शिको में ईस्ट में बंगाल की तरफ शूजा को दबाने के लिए भेजा। अब शूजा को हराया जा चुका था, शूजा का खतरा खत्म हो चुका था। लेकिन शूजा का जब हरा दिया गया तो उसके बाद उस आर्मी को आदेश दिया गया कि तुम एक काम करो, बिहार तक जाओ और बिहार का इलाका कंट्रोल करके आओ। अब समझो आगरा यहां है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर डोमेन में दारा शिको की बहुत इंपॉर्टेंट टुकड़ी को भेज दिया गया, लेकिन जो मालवा की तरफ टुकड़ी भेजी गई थी वो औरंगजेब और मुराद हरा चुके हैं, और औरंगजेब और मुराद की आर्मी अब आगरा की तरफ आ रही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टुकड़ी भेजी गई थी ईस्ट की तरफ, इसकी जरूरत है ना दारा शिको को। जब तक दारा शिको को एहसास हुआ कि मैंने जो अपने सोल्जर्स ईस्ट की तरफ भेजे हैं और बड़े जबरदस्त एफिशिएंट सोल्जर्स, इनको वापस बुलाना पड़ेगा, तो वापस बुलाने के लिए तुरंत मैसेंजर भेजे गए। लेकिन एक पूरी की पूरी आर्मी को वापस लाना अपने आप में मुश्किल बात थी। उस समय फ्लाइटें हेलीकॉप्टर नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, ये टुकड़ियां घोड़ों पे और पैदल चलती थी। तो उतनी दूर इलाके से वापस आगरा पहुंच पाना ये अपने आप में थोड़े समय की बात थी। तो किसी भी हाल में जो ईस्ट में फोर्सेस भेजी थी दारा शिको ने, इनको सही समय पे वापस बुला पाना ये अपने आप में बहुत मुश्किल था। इससे पहले कि ईस्ट में भेजी हुई फोर्सेस वापस आगरा पहुंची, औरंगजेब का आगरा पहुंचना तय था, ठीक है। तो धर्मत में जैसे ही जसवंत सिंह हारा, जैसे ही दारा शिको की भेजी हुई फोर्सेस हारी, दारा शिको ने लेटर भेजे और ईस्ट में गई हुई आर्मी से बोला कि आगरा वापस आओ। वो आगरा वापस आने के लिए तैयार हुई, लेकिन ऑब्वियस ही बात है सही समय पे वापस नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। 7 मई 1658 सुलेमान शिको, जो कि दारा शिको का बेटा था, उसने वापस आगरा की तरफ अपनी मार्च शुरू की। वो उस समय पे बिहार के मुंगेर के इलाके के आसपास था। तब मुंगेर से आगरा पैदल और घोड़े पे चल के वापस आना अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। तो जब तक ये वापस पहुंचेंगे उससे पहले ही औरंगजेब यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। दारा शिको ने बाकी पचड़े भी यहां पे लगाए, बाकी दिमाग भी यहां पे लगाया, जोधपुर के राजे के पास लेटर भेजा, जसवंत सिंह जो कि पहले धर्मत में हार चुका था साइड में रिट्रीट कर गया, तो उसको लेटर भेजा, आसपास की जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज थी उनको लेटर भेजा, राणा को लेटर भेजा, इन सबको मदद के लिए बुलाने की कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पे पॉलिटिक्स चालू थी और इस पॉलिटिक्स में औरंगजेब माहिर था। जो राणा था आपका राजस्थान का, उसको पहले ही औरंगजेब ने अपनी तरफ कर लिया था। औरंगजेब ने बोला था कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुमको 7,000 की मनसबदारी दूंगा, तुम यहाँ पे चुप बैठो, उसको अपनी तरफ मिला लिया। तो एक तरफ दारा शिको राणा को अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन औरंगजेब पहले ही राणा को अपनी तरफ खींच चुका है। और राणा का ये जो राजस्थान का रूलर था ना, इस राणा की बहुत सारी जमीनें पहले शाहजहां और दारा शिको ने छीनी थी 1654 में, 1654 में। तो औरंगजेब ने बोला था कि तुम्हारी जो जमीनें छीनी गई है ना, वो भी हम तुमको वापस कर देंगे, चित्तौड़ का फोर्ट हम तुमको वापस कर देंगे। तो इस प्रकार की जब इंपॉर्टेंट चीजें राजस्थान के राणा को दी गई तो वो भी चुप बैठ गया। उसने बोला कि चलो यार, जब औरंगजेब मुझे इतना कुछ दे रहा है तो मैं क्यों फालतू में इस पचड़े में पड़ूं। और सबको लग भी रहा था कि दारा शिको औरंगजेब से जीत नहीं पाएगा, यहाँ पे औरंगजेब ही राजा बनेगा। तो कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स थे उनको दारा शिको अपनी तरफ नहीं खींच पाया, समझ गए बात को। और फाइनली होगा 29 मई 1658 का बैटल ऑफ सामूगढ़। और इस बैटल ऑफ सामूगढ़ में एक तरफ खड़ा था दारा शिको और दूसरी तरफ था औरंगजेब। दोनों के पास ही 50,000 से 60,000 की सेना थी, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सेना थी, बट एक फर्क था। दारा शिको की तरफ कुछ बैटल हार्डेंड सोल्जर्स थे, कुछ अच्छे सोल्जर्स थे, जैसे कि हादा राजपूत थे, बरहा के सैयद थे। लेकिन ओवरऑल दारा शिको ने जो आर्मी अपनी यहाँ पे इकट्ठी की थी वो एकदम आनन फानन में जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करके इकट्ठी की थी। और जो औरंगजेब के ट्रूप्स थे वो डेक्कन में बहुत लंबे समय से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो वो बैटल हार्डेंड थे। तो यहाँ पे औरंगजेब का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी था, तो दारा शिको यहां पे हार गया, ओके।
ये सब चीजें यहाँ पे थी। ओवरऑल यहाँ पे औरंगजेब ने एक और अफवाह फैलाई। औरंगजेब ने लोगों के अंदर यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि शाहजहां को जबरदस्ती दारा शिकोह ने बंदी बना के रख रखा है, ये जो दारा शिकोह है ये आदमी ठीक नहीं है। ओके, मैं तो अपने पिता से मिलने जा रहा हूं, मुझे गद्दी पर बैठने का कोई वो नहीं है। फिर हिस्ट्री में और भी बहुत सी बातें होती हैं। बहुत सारे लोग औरंगजेब को एक कट्टर मुसलमान बताते हैं, दारा शिकोह को लिबरल बताते हैं। कुछ हद तक देखिए ये बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दारा शिकोह एक लिबरल इंसान था, सेक्युलर इंसान था। डेफिनेटली औरंगजेब जब अभी गद्दी पर बैठेगा, उसकी रिलीजियस पॉलिसी को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दारा शिकोह गद्दी पर बैठता है, डेफिनेटली उसकी रिलीजियस पॉलिसी शायद अकबर जैसी ज्यादा होती, लेकिन औरंगजेब की नहीं थी। बहरहाल वो एक अलग बात है। औरंगजेब और जब दारा शिकोह की लड़ाई हुई, अब सबके दिमाग में ये आएगा कि दारा शिकोह अगर एक सेक्युलर आदमी है और औरंगजेब एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स आदमी है, तो सारे राजपूत राजा तो दारा शिकोह का सपोर्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं था। बहुत सारे हिंदू नॉबल्स ने इस पर्टिकुलर जंग में औरंगजेब का सपोर्ट किया, बहुत सारे मुस्लिम नॉबल्स ने इस पर्टिकुलर जंग में दारा शिकोह का सपोर्ट किया। मतलब हिंदू और मुस्लिम नॉबल्स यहाँ पे औरंगजेब और दारा शिकोह का सपोर्ट धर्म के आधार पर नहीं कर रहे थे, लिबरलिज्म के आधार पर नहीं कर रहे थे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर कर रहे थे। उस समय पर कौन सा नॉबल औरंगजेब को सपोर्ट कर रहा है या दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहा है, उसकी बहुत सारी छोटी छोटी इंट्री केसेस थी। तो राणा को लगा कि मुझे मेरी जमीनें वापस मिल जाएंगी, तो उसने औरंगजेब का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, दारा शिकोह को सपोर्ट नहीं किया, समझ गए। बाद में यही दारा शिकोह, बाद में यही औरंगजेब राजपूतों को एलिनेट करेगा, उनके खिलाफ कुछ उल्टे सीधे नियम कानून बनाएगा। तो यहां पे ओवरऑल चीजें पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से हो रही थी, धर्म के हिसाब से नहीं हो रही थी। हालांकि जब भी मौका मिला औरंगजेब को, उसने अपने ऑर्थोडॉक्स होने का बहुत फायदा उठाया। आगे हम देखेंगे कि औरंगजेब किस प्रकार से अपनी ऑर्थोडॉक्सी का और अपने मुस्लिम होने का फायदा उठा के ओवरऑल कुछ ऐसे नियम कानून लेके आएगा जिससे वो हिंदू राजा जो कि औरंगजेब के खिलाफ बगावत करे तो उनको दबा सके, मुस्लिम्स के सपोर्ट को अपनी तरफ लेके, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। हालांकि ये जो पर्टिकुलर बैटल हुआ, बैटल ऑफ सामूगढ़ 29 मई 1658, इसमें एक चीज तय थी, ओवरऑल दारा शिकोह भाग गया, दारा शिकोह यहाँ पे हार गया। शाहजहां जिस फोर्ट के अंदर था, उस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया औरंगजेब ने। हालांकि शाहजहां के साथ कोई बदतमीजी नहीं की उसने, बट ओवरऑल ये जो अब आगरा था वो किसके कब्जे में आ चुका था, वो औरंगजेब के कब्जे में आ चुका था। शाहजहां वैसे भी बहुत बूढ़ा था, उसके बस की अब ज्यादा कुछ रह नहीं गई थी। तो जो फीमेल अपार्टमेंट थे फोर्ट के, वहां पे शाहजहां था। शाहजहां की तबीयत खराब थी और शाहजहां की जो फेवरेट बेटी थी जहानारा, वो शाहजहां का ध्यान रख रही थी। जहानारा ऑब्वियस सी बात है औरंगजेब की बहन थी। तो औरंगजेब ने शाहजहां को कुछ नहीं बोला, औरंगजेब ने बोला कि ठीक है भाई, इनका इलाज करने दो। जहानारा फोर्ट से बाहर ही नहीं निकली, वो अंदर रह के अपने बाप का इलाज कर रही थी। फाइनली आप देखोगे कि जब शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी, तब पब्लिक लाइफ में वापस जहानारा आएगी और औरंगजेब उसका स्वागत करेगा, उसको फर्स्ट लेडी बोलेगा, उसको सम्मान देगा और उसको 12 लाख रुपए की एनुअल पेंशन देगा। इनफैक्ट उसकी जो एनुअल पेंशन थी 12 लाख की, उसको 17 लाख कर देगा। मतलब कुल मिला के औरंगजेब ताकत में तो आ ही गया था, तो शाहजहां को चाहता तो मार सकता था, बट उसने नहीं मारा, ठीक है ना, उसने छोड़ दिया। उसको पता था कि ये बूढ़ा हो गया, अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और जहानारा को भी उसने, ठीक है अब क्या बहन से क्या बदला निकालो, बदला किससे निकालना था औरंगजेब को। औरंगजेब के लिए दो प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम थी दारा शिकोह, चूंकि दारा शिकोह अभी भी जिंदा था, और एक प्रॉब्लम थी मुराद। शुजा तो एलिमिनेट किया जा चुका था। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि औरंगजेब का मुराद के साथ एक एग्रीमेंट है कि भाई हम लोग किंगडम को आपस में बांट लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। तो जब औरंगजेब ने मुराद की मदद से आगरा पे कर लिया कब्जा, अब मुराद बोलेगा आधा मुझे दो, और औरंगजेब बोलेगा कौन सा आधा, तुम्हारा किस बात का आधा भाई, निकल यहां से। अब यहां पे लड़ाई शुरू हो गई और मुराद यहां पे डिसएडवांटेज पे थे। औरंगजेब ने पकड़ा चुपचाप से, धोखे से मुराद को जेल में डलवा दिया, ग्वालियर जेल में, और 2 साल बाद उसको मरवा दिया। मतलब मुराद को यहाँ पे एलिमिनेट, कोई भाई बंधु नहीं, गद्दी है भाई, गद्दी में भाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, गद्दी में गद्दी का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है भाई। सामूगढ़ का बैटल, दारा शिकोह भाग चुके थे, मुराद यहाँ पे मर चुका है। दारा भाग के पहले पहुंचे लाहौर, लाहौर के आसपास के इलाके कब जाने की कोशिश की, औरंगजेब लाहौर पहुंच गया तो दारा शिकोह वहां से भाग खड़े हुए। कुछ जगहों पे ऐसा बोला गया है कि दारा शिकोह के करेज ने उसको हरा दिया। जहां पे दारा शिकोह को खड़े होकर लड़ाई करनी चाहिए थी, वहां से दारा शिकोह भाग गया। जब लाहौर के इलाकों में जो आसपास की जो ट्राइब्स थी वो दारा शिकोह के पीछे खड़ी थी, औरंगजेब पहुंचा, दारा शिकोह भाग गया वहां से।
तो इन सब चीजों के चलते दारा शिकोह को काफी कमजोर समझा गया, क्योंकि लड़ाई के अंदर आपको सामने से लीड करना है, आप भाग जाओगे काम नहीं बन पाएगा, समझ गए बात को। तो ओवरऑल आप देखोगे कि लाहौर भी आपका यहां पे दारा शिकोह के हाथ से निकल गया, लाहौर भाग के आज की डेट में जो पाकिस्तान में सिंध है वहां पहुंच गया दारा शिकोह। तो दो साल तक सिविल वॉर चलता रहा, दारा शिकोह के जो फॉलोअर्स थे वो औरंगजेब के फॉलोअर्स के साथ यहाँ पे लड़ते रहे, फिर सिंध से वापस गुजरात आया दारा शिकोह, अजमेर पहुंचा, जसवंत सिंह का राज था अजमेर में, तो दारा शिकोह को जसवंत सिंह ने इनवाइट किया, दारा शिकोह को लगा कि जसवंत सिंह तो मेरा दोस्त है, तो दारा शिकोह चले गए जसवंत सिंह के पास, जसवंत सिंह पीछे से औरंगजेब के साथ मिला हुआ था, तो यहाँ जसवंत सिंह से भी धोखा मिलेगा दारा शिकोह को। जो लास्ट मेजर लड़ाई दारा शिकोह ने औरंगजेब के साथ लड़ी है वो लड़ी है बैटल ऑफ दियोराई, बैटल ऑफ दियोराई अजमेर के पास हुआ है मार्च 1659 में, यहां पे भी औरंगजेब जीता, दारा शिकोह हार गया। इसके पास दारा शिकोह का एक मौका था, दारा शिकोह का मौका यह था कि वो ईरान भाग सकता था, ठीक है ना, लेकिन वो ईरान ना जाके अफगानिस्तान गया, ठीक है ना, और अफगानिस्तान में बोलन पास के पास एक धोखेबाज अफगान चीफ है, ओवरऑल उस अफगान चीफ ने दारा शिकोह से बोला कि मैं आपकी तरफ हूं, जबकि वो औरंगजेब की तरफ था, उसने दारा शिकोह को औरंगजेब को हैंडओवर कर दिया। और इस समय पे औरंगजेब के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी दारा शिकोह। तो यहाँ पे आप देखो औरंगजेब दारा शिकोह को मारेगा, और पता है किस प्रकार से मारेगा, वो बोलेगा कि ये जो औरंगजेब है इसको मारना जरूरी है टू प्रोटेक्ट द फेथ एंड होली लॉ। आप सोचिए दारा शिकोह ने वेदास की पढ़ाई लिखाई की थी, उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया था, उसने हिंदू मुस्लिम धर्म को एक बोला था, तो बहुत सेक्युलर था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह के सेक्युलरिज्म को दारा शिकोह के अगेंस्ट इस्तेमाल करके औरंगजेब ने बोला कि ये तो काफिर है, ये तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट बात करने वाला है, ये तो नॉन मुस्लिम्स के साथ रहने वाला है, ये तो इस्लाम को चैलेंज कर रहा है, होली लॉ को चैलेंज कर रहा है, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, ये तो इतना बवाल कर रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, और इन सब बातों का बहाना लेके क्लोक लेके औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और दारा शिकोह को एग्जीक्यूट करने के बाद दो साल बाद दारा शिकोह का जो बेटा था ना सुलेमान शिकोह, ये भी औरंगजेब के लिए मुसीबत बन सकता था, क्योंकि ये भी एक एफिशिएंट मिलिट्री लीडर था। सुलेमान शिकोह को भी पकड़ के औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवा दिया। गढ़वाल के राजा के पास सुलेमान शिकोह था, गढ़वाल के राजा ने सुलेमान शिकोह को धोखा दिया, ओवरऑल उसको औरंगजेब को हैंडओवर कर दिया, और औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को भी यहां पे मरवा दिया। तो इस प्रकार से ओवरऑल आप देखोगे कि दारा शिकोह और उसके बेटे को यहाँ पे एलिमिनेट किया औरंगजेब। औरंगजेब के लिए दारा शिकोह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, दारा शिकोह का मरना जरूरी था, लेकिन मारा कैसे, उसको रिलीजियसली एंटी मुस्लिम्स दिखा के मार दिया, ठीक है, ये दिखाया कि ये पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लड़ाई करके लोगों का जीना हराम कर रहा है, ये सब चीजें दिखा के यहाँ पे दारा शिकोह को मार दी। जबकि ओवरऑल शाहजहां ने जब दारा शिकोह गद्दी पर बैठाया था तो चुपचाप से औरंगजेब को मान लेना चाहिए था। तो अगर देखा जाए शाहजहां की बातों के हिसाब से तो पब्लिक पीस डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, औरंगजेब था, लेकिन इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। हिस्ट्री केवल उसकी हुई है जिसने सही समय पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चीजें अपने फेवर में कर ली, और यहाँ पे औरंगजेब ने ऐसा किया। फिर औरंगजेब ने शुजा को हरा दिया, शुजा भी एक प्रॉब्लम थी बंगाल में जिसको पहले हराने के लिए सुलेमान शिकोह गया था, तो शुजा को खजुआ के पास अलाहाबाद में हरा दिया, ओके, दिसंबर 1658 में। फिर शुजा प्रॉब्लम तो शुजा भी था, ओवरऑल चार भाई ये थे, दारा शिकोह, मुराद, औरंगजेब और शुजा। दारा शिकोह एलिमिनेट हो चुके हैं, मुराद एलिमिनेट हो चुके हैं, शुजा अभी भी जिंदा है। शुजा को पहले सुलेमान शिकोह ने पीछे ढकेला था, शुजा अभी भी जिंदा था, तो शुजा के पीछे दौड़ाए किसको, मीर जुमला को। मीर जुमला ने शुजा को इतना परेशान किया कि शुजा को इंडिया छोड़ के भागना पड़ा, शुजा को म्यांमार अराकान माउंटेन में घुसना पड़ा, और अराकान में एक कोई अराकानीज ट्राइब थी, उसने यहाँ पे शुजा को और शुजा की फैमिली को मार दिया। तो शुजा का अंत भी यहाँ पे ओवरऑल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये पूरा का पूरा बवाल 2 से 3 साल चलता रहा, और ये 2 से 3 साल मुगल एम्पायर का कोई प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हुआ, कोई प्रॉपर कल्चरल फील्ड में कुछ नहीं हुआ। 2 साल तक मुगल एम्पायर इन सब एक्टिविटीज की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहा। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि कोई क्लियर कट नॉमिनेशन का यहाँ पे नियम नहीं था। जो मिलिट्री लीडरशिप के दम पे अपने आप को गद्दी पर बैठाए जाएगा वही यहाँ पे राजा बनेगा। मतलब राजा बनने का सक्सेशन का एक ही पैमाना था यहाँ पे, और वो था मिलिट्री फोर्स। मतलब बाप लड़ेगा तो बेटे में जो लड़ाई करके जीतेगा
वही यहाँ पर गद्दी पर बैठेगा, ये बात यहाँ पे फिर से प्रूव हो चुकी थी। और इन सिविल वॉरों के दौरान ऑब्वियसली बात है लोगों की लाइफ पे तो इम्पैक्ट आता ही था। हालांकि एक बार जो औरंगजेब को दिखा कि हाँ भाई ओवरऑल उसका जो अपोजिशन है वो एलिमिनेट हो चुका है, अब उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो छोटे मोटे चंगू मंगू बचे हुए थे, कौन चंगू मंगू, तो आप देखोगे कि सिफिर शिकोह नाम का एक बेटा था दारा शिकोह का। अब शिकर शिकोह ये किसी भी हाल से औरंगजेब के लिए खतरा नहीं था, सुलेमान शिकोह खतरा था, दारा शिकोह का जो बेटा था, तो सुलेमान शिकोह को तो मार दिया औरंगजेब ने, लेकिन सिफिर शिकोह, अब सिफिर शिकोह को लगा कि यार मुझे भी मार देंगे, सिफिर शिकोह ने कहा कि भैया मुझे नहीं राज करना, मुझे माफ कर दो। तो ये जो जहानारा बेगम थी जो कि औरंगजेब की बहन थी, उसने रिक्वेस्ट की औरंगजेब से कि आप इसको मत मारिए, ये आपके अगेंस्ट नहीं आएगा। तो औरंगजेब ने बोला कि ठीक है मैं सिफिर शिकोह को नहीं मारूंगा, उसको 1673 में प्रिजन से छोड़ दिया गया, एक मनसब दिया गया और औरंगजेब की बेटी से उसकी शादी करा दी गई। ठीक है, तो ओवरऑल औरंगजेब की बेटी से शादी हो गई किसकी, सिफिर शिकोह की, और उसको एक मनसब दे दिया गया। उसी प्रकार से मुराद को भी मारा था औरंगजेब ने अपने भाई ने, तो मुराद का जो बेटा था इज्जत बख्श वो भी औरंगजेब के लिए कोई खतरा नहीं था, तो उसको भी छोड़ दिया और उसको भी अपनी बेटी से एक शादी करा दी। तो मतलब यहाँ पे जो लोग औरंगजेब के लिए सीधे सीधे खतरा नहीं थे, उनको औरंगजेब ने नहीं मारा, उनको अपनी ही फैमिली में शादी करा के साइड में एक छोटा सा मनसब दे के बोला कि जाओ तुम यहाँ पे राज करो, हमारे कोर्ट में आके सही समय पे सलामी देते रहना। ठीक है, दारा शिकोह की जो डॉटर थी जानी बेगम, उसकी शादी हुई किससे, औरंगजेब के तीसरे बेटे मोहम्मद आजम के साथ। तो आप देखोगे कि औरंगजेब की जो फैमिली थी और उसके भाई मुराद, दारा शिकोह और सूजा की जो फैमिली थी, तो इन्होंने अपने बच्चों की शादी आपस में कर लिया, मुराद, दारा शिकोह और सूजा तीनों मर चुके हैं, तो इनके जो बेटे बच्चे थे और औरंगजेब के जो बच्चे थे आपस में इन्होंने अपनी शादी कर ली। ठीक है ना, हिंदू सोसाइटी में थोड़ा आपको अलग लगेगा क्योंकि हिंदू सोसाइटी में इस प्रकार से शादियां नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हो रही थी। तो ओवरऑल औरंगजेब ने अपने बेटे और बेटियों की शादी अपने ही भाई के बेटे बेटियों से कर दी, तो आगे आने वाली जो दो तीन जनरेशन थी ना वो बिल्कुल ही मैच हो गई। तो औरंगजेब और उसके भाई की जो सक्सीडिंग जनरेशन थी, दो जनरेशन के बाद जो तीसरी जनरेशन आई वो एक दूसरे में बिल्कुल इंटरमिक्स हो चुकी थी, आपस में ओवरऑल इनको सेग्रीगेट करना मुश्किल था। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे स्टोरी है किस प्रकार से औरंगजेब ने अपने अपोजिशन को यहाँ पे एलिमिनेट किया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे औरंगजेब ने अपने रॉन के दौरान अपनी रिलीजियस पॉलिसी को चलाया। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। रिलीजन के फील्ड में हमेशा औरंगजेब को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वी विल रीड अबाउट औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है। गुड बाय।